पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ स्थित महाशक्ति सिद्धपीठ में आज पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की स्थापना को लेकर भूमि पूजन विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। पंडित शिव नारायण शास्त्री व पंडित कपिल शास्त्री ने अनुष्ठान संपन्न कराया। इसके उपरांत दिव्य प्रसाद का वितरण किया गया, साथ ही अतिथियों का सम्मान ग्रंथ भेंट कर व पटका तथा शॉल पहनाकर किया गया। वयोगिनी साध्वी माता राज नंदेश्वरी द्वारा रचित पुस्तक श्री बजरंग संहिता का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र ने कहा कि भगवान श्री राम ने मानव रूपी शरीर में अनेक बार प्रकट होकर मानव कल्याण किया है। भगवान श्री राम का जीवन संपूर्ण विश्व जगत के लिए प्रेरणादायक व कल्याण करने वाला है। मानव को चाहिए कि प्रभु श्री राम ने जो अपनाया उसे अपनाए, लीलामयी भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे मानना चाहिए तो जीवन का कल्याण होगा। हिंदू धर्म एक व्यापक दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय समाज हित व प्राणी के कल्याण के लिए भगवान श्री राम का चरित्र उदाहरण है। विश्वामित्र का चिंतन विचार गुरु वशिष्ठ से भिन्न था। विचारों में भिन्नता के बाद भी दोनों ने मिलकर एक विचार होकर प्रभु श्री राम को सिंहासन को बिठाने के एकमत हो गए। विचारों में भिन्नता धर्म संस्कृति से अलग होनी चाहिए। सनातन संस्कृति विशाल व दयालु हृदय वाली है। जब यहूदियों को अन्य देशों से निकाल दिया गया था 1948 में, जब इसराइल देश में आकर यहूदी पुनः इकट्ठा हुए तो भारत में पुनर्वास करने वाले यहूदियों के अनुभव सबसे अच्छे थे। भारत में पुनर्वास करने वाले यहूदियों ने बताया कि उन्हें भारत में पूरा सम्मान व प्रेम प्राप्त हुआ। सनातन संस्कृति की शरणागत जो भी आया उसका सत्कार किया गया। श्री रामचरित मानस का अर्थ यही कि मनुष्य श्री राम के चरित्र को धारण करे, उसको श्री राम मिलेंगे, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजेंद्र सिंघल माता राज नंदेश्वरी स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सुखदेव ऋषि की तपोभूमि पर भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना एक जनकल्याणकारी होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी, योगीराज स्वामी, प्रकाशानंद जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, विधानसभा संयोजक जोगेंद्र वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी जैसे कई लोग मौजूद रहे। पंडित शिवनारायण शास्त्री व कपिल शास्त्री ने पूजा संपन्न कराई। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए महाराज जी। आज ये आपके सुख तीर्थ में 108 फीट की प्रतिमा भगवान श्री राम जी की बनने के लिए उसका भूमि पूजन हुआ है और जल्द से जल्द ये प्रतिमा आपके शुक्र तीर्थ में आज बन जाएगी। कौन कौन लोग यहाँ आज उपस्थित थे? संघ से दिनेश जी, बड़े दिनेश जी, और हमारे सुख तीर्थ की शोभा स्वामी केशवानंद जी व जूना अखाड़े से कई महामंडलेश्वर आए हुए उपस्थित थे। संघ से काफी थे, उमेश मलिक जी थे और माननीय काफी मंत्रीगण जो आए हुए थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।